हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जीएसएम के बारे में पढ़ेंगे। जीएसएम इस ग्राम पर स्क्वायर मीटर। जीएसएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टेक्सटाइल सेक्टर। गाइस, इफ़ यू आर फ्रॉम फैशन डिज़ाइन इन टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉम टेक्सटाइल, यू मस्ट नो अबाउट द टेक्सटाइल जीएसएम। एंड गाइस, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और गारमेंट मर्चेंडाइजर बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप जीएसएम कैलकुलेशन करना ज़रूर सीख लें, ताकि आप बायर से डील करते वक्त, ऑर्डर प्लेस करते वक्त आपको जीएसएम फैब्रिक का जान सको। और वैसे तो गारमेंट सप्लायर मेंशन करता है जीएसएम, लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर ज़रूर आता है अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अब बात करते हैं जीएसएम की। जीएसएम स्टैंड्स एट ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ये वेट बताता है फैब्रिक का इन 1 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। इसमें मेट्रिक कैलकुलेशन होती है और एंड फैब्रिक वेट बताता है। इट्स यूनिट इज ग्राम पर स्क्वायर मीटर। एंड गाइस, GSM इज प्राइमरी फैब्रिक क्वालिटी पैरामीटर। जितना आपका फैब्रिक डेंसर होगा उतना ही GSM हाई होगा। एंड GSM वेरी करता है फैब्रिक की टाइप के ऊपर। जितना आपका फैब्रिक लाइट वेट का होगा तो आपके GSM भी लाइट कम होगा। एंड मीडियम होगा तो मीडियम ही होगा GSM भी, और हैवी होगा फैब्रिक तो GSM भी ज़्यादा होगा। एंड इट्स 350 to 500 above 350। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज फैब्रिक वेट अफेक्ट्स GSM। पहली चीज़ आती है फैब्रिक थिकनेस। फैब्रिक थिकनेस हमें अपने माइंड में हमेशा ये रखना चाहिए कि फैब्रिक थिकनेस से आप फैब्रिक की क्वालिटी का नहीं पता कर सकते। एग्जांपल, इफ फैब्रिक में डिफरेंट फाइबर्स हम यूज़ करते हैं और वो सेम वेट के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस फैब्रिक की, उन सब फैब्रिक की थिकनेस सेम हो। उनका वेट सेम हो सकता है बट नॉट एग्जैक्ट और सेम थिकनेस। इसके अलावा पॉइंट है फैब्रिक क्वालिटी। एग्जाम्पल, वेट ऑफ द फैब्रिक डज नॉट टेल यू अबाउट इट्स क्वालिटी। एग्जाम्पल, डेनिम हैवी वेट है बिकॉज ऑफ ट्विल वीव। कॉटन फाइबर या फैब्रिक प्लेन वीव होती है इसमें, तो ये इसकी आपको क्वालिटी का डिटरमाइन नहीं करता। इफ लिनन शर्ट का GSM 180 to 200 होगा तो वो शर्ट का मटेरियल थिक होगा और वो वार्म रखने के लिए बेस्ट है ऑन वार्मर डेज। अगर आप 130 to 150 GSM की शर्ट पिक करेंगे तो वो आपको एयरी एंड फ्लिसमी रखने के लिए काम आएगा। बट एक्चुअली एक कस्टमर शॉपिंग के लिए के वक्त चीप प्रमोशनल दिखावे वाले कपड़े पिक करेगा जिसका GSM 100 to 110 हो। एग्ज़ाम्पल है ये होगा, जबकि वो शर्ट बहुत कम समय पहनी जाएगी एंड इवन वो हर वॉश के बाद फेड होती जाएगी। लेकिन सच ये है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सबके प्राइस से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। गाइस, जब भी हम कोई कपड़ा ख़रीदते हैं तो हम सब बोलते हैं कि 3-4 बार पहनने के बाद कपड़ा लाइट हो जाता है। इन केस ऑफ टॉवल अपहोल्स्ट्री लिनन एंड ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथिंग रेंजिंग फ्रॉम विंटर टू समर वेयर, उसका GSM 300 to 500 होगा। एंड गाइस, हर फैब्रिक का अलग अलग GSM होता है, जैसे लाइट वेट, मीडियम वेट एंड हैवी वेट फैब्रिक्स। लाइट वेट फैब्रिक जैसे शिफॉन, लिनन, ऑर्गेन्जा, चिटोन एंड लेस, वॉयल, मैश यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समर क्लोथ्स एंड इनर वेयर, तो इनका GSM कम होगा। लाइट वेट फैब्रिक्स का GSM 30 to 150 GSM होगा। लाइट वेट फैब्रिक्स आर द बेस्ट क्वालिटी टू यूज़ इन द समर्स। मीडियम वेट फैब्रिक्स फेस टावल्स, हैंड टावल्स, बाथ टावल्स, पूल टावल्स, सेटिन, ऑक्सफोर्ड वेलवेट, टेफेटा चार्म यूज, ऑल दीज आर मीडियम वेट फैब्रिक्स। एंड GSM इज 150 to 350 GSM। हैवी वेट फैब्रिक्स फेस टावल्स, हैंड टावल्स, बाथ टावल्स, पूल टावल्स, अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, कैनवस, ब्रोकेट, पॉपलिन, डेनिम। हैवी वेट डेंस मटीरियल्स आर यूज फॉर
upholstery and furnishing. Heavier weight fabric GSM is 350 plus. Guys, हम GSM को टू वे से कैलकुलेट करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से एंड दूसरे में हमारी पूरी कैलकुलेशन होती है. जो इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करते हैं उसमें हमारा कटिंग पैड, GSM कटर, इलेक्ट्रिक बैलेंस और सैंपल फैब्रिक होता है. और जो हमारे आपको इस पिक्चर में आपको राउंड राउंड दिख रहा है जिसे हम GSM कटर बोलते हैं, हम उस कटर को उठा के फैब्रिक सैंपल पे रखते हैं एंड देन राउंड ट्रेस करते हैं. उसके बाद हम अपनी GSM मशीन में रख देते हैं और जो उसकी कैलकुलेशन आ जाती है. जहाँ पे जीरो है वहाँ पे वो शो होता है. इसके बाद हम GSM कैलकुलेट करना सीखेंगे. नाउ GSM कैलकुलेशन. वार्प को हम एंड बोलते हैं, वेफ्ट को पिक बोलते हैं. वार्प हमारा वर्टिकल वाइज होता है, वेफ्ट हमारा हॉरिजॉन्टल वाइज होता है. एंड जो वेफ्ट का एंड होता है वो हमारी सेल्वेज होती है, जहाँ पे हम आप देखेंगे बहुत इकट्ठा सा फैब्रिक होता है, जिसे हम किनारी भी बोलते हैं हिंदी में. GSM कैलकुलेट करने के लिए हमें क्रिम्प का पता होना चाहिए गाइस. क्रिम्प को हम क्रिम्प परसेंटेज और क्रिम्प फैक्टर भी बोलते हैं. क्रिम्प को वेवीनेस कहते हैं. व्हेन वोवन फैब्रिक मेड अप ऑफ वार्प एंड वेफ्ट यार्न्स. वार्प एंड वेफ्ट यार्न्स को इंटरलेस किया जाता है एक दूसरे से. उसके बाद वो फैब्रिक शीट बनकर निकलती है. जो फैब्रिक शीट जब बनाते हैं तो जो वार्प और वेफ्ट यार्न्स हैं वो इंटरलेस करे जाते हैं, तो उसमें एक पाथ बनता है जो कि वेवीनेस होता है. उस वेवीनेस को हम क्रिम्प कहते हैं. एग्जाम्पल है कॉटन. कॉटन बहुत ज़्यादा क्रिम्प होती है, कॉटन में परसेंटेज. गाइज, कई बार आपने नोटिस किया होगा, आप शॉप पे भी जाते हैं तो बोलते हैं कि कॉटन फैब्रिक है तो श्रिंक होगा ही होगा. वो इसी वेवीनेस की वजह से श्रिंक होता है. नाउ GSM कैलकुलेशन को इसमें सब कुछ मेंशन हो गया. EPI, PPI, वाप काउंट, वेफ्ट काउंट, वाप क्रिम्प फैक्टर, वेफ्ट क्रिम्प फैक्टर, फॉर्मूला गिवन है. तो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं. 23.5 इज सेल्वेज. गाइस, आगे कैलकुलेशन में हमने वार्प काउंट एंड वेफ्ट काउंट को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दिया. उसके बाद EPI और PPI को वार्प क्रिम फैक्टर और वेफ्ट क्रिम फैक्टर ये पॉइंट्स में है तो इन्हें अलग कैलकुलेट करेंगे. और एंड 23.5 सेल्वेज है, इन्हें कैलकुलेट करके 108.57 GSM निकल के आया है. एंड गाइस, अगर हमें फैब्रिक विड्थ 1 मीटर दी गई होगी तो हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो अब एग्जांपल आपको दिखेगा. एंड गाइस, 1 मीटर फैब्रिक इज इक्वल टू 39 इंचेस. तो इसमें सबसे पहले हम EPI निकाल लेंगे, देन वार्प क्रिम्प निकाल लेंगे हमें जो मेंशन की हुई है. परसेंटेज में इसलिए इनटू में 100 आ जाएगा. एंड वार्प क्रिम्प हमारी मीटर में होगी जो निकल के आएगी. देन उसी तरह से PPI निकालेंगे एंड वेफ्ट क्रिम्प निकालेंगे. देन हम वार्प काउंट एंड वेफ्ट काउंट निकालेंगे. वार्प काउंट का फॉर्मूला होता है टैक्स इनटू में NA इज इक्वल टू 590. वार्प काउंट हमारा 24 S दिया गया है, तो 590 अपॉन में 24 इज इक्वल टू 24.58. गाइज, अभी ये ग्राम में है, अभी हम इसे मीटर में कन्वर्ट करना है. तो हम टोटल वार्प लेंथ निकालेंगे. टोटल में जहाँ मीटर में होगा हम 1000 लेंगे, 24 अपॉन में 1000. तो हम 24 अपॉन में 1000 इंटू टोटल वार्प क्रिम्प ऐड करेंगे. देन उसके बाद जो कैलकुलेट करके निकल जाएगा वो हमारा मीटर में होगा. उसी तरह से हम वेफ्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे टैक्स इनटू में NA इज इक्वल टू 590 का फॉर्मूला है. देन टोटल वेफ्ट लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे. फिर उसके बाद इन दोनों का जो भी टोटल निकल के आया उसे हम प्लस करके मीटर में कन्वर्ट. गाइज, आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया हो और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन. एंड गाइज, वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.